एवरीवन, तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे हम। अभी तक हमने क्या किया है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक वाला पोर्शन है वो कवर कर लिया है, स्ट्रक्चर और नेम्स को कैसे याद करते हैं ट्रिक्स हमने देख लिया है, उसके बाद रिएक्शंस जो होते हैं जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और प्रैक्टिकल हम लैब में एप्लीकेशन किस तरह की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस किस तरह से होते हैं वो अपने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तीन चीजें पढ़ाऊंगी मैं आपको इसमें। एक तो ओसेजोन फॉर्मेशन, जैसे कि लैब में क्या होता है कई बार आपको जब कंपाउंड एनालिसिस करना होता है तो उसका जो लास्ट स्टेप होता है वो कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव बनाते हैं कि अगर जो कंपाउंड हमने निकाला है, जैसे सपोज हमें कंपाउंड मिला था उसको हमने आइडेंटिफाई करके बोला कि कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको कंफर्म हम कैसे करते हैं, उसका डेरिवेटिव बना के। अगर डेरिवेटिव जो कार्बोहाइड्रेट्स का बनता है ओसेजोन, अगर वो उस कंपाउंड का बन जाता है, मेल्टिंग पॉइंट मैच हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये वाला जो कंपाउंड है वो हमारा फॉर श्योर कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम, हाँ अब ना मैंने कमेंट अभी देखा था, आप मुझसे पूछ दी इसके लिए बुक बता दो, तो जो बुक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ब्रूस, जो वाली बुक है उसमें अच्छे से दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं ओसेजोन फॉर्मेशन। ओसेजोन क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलते हैं ओसेजोन। अब क्या करना है आपको, इसकी रिएक्शन ध्यान से देखनी है। देखो ये हो सकता है कि पेपर में ना डायरेक्टली आपसे रिएक्शन ना पूछे, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिएक्शन के बीच से कोई स्टेप आपसे पूछ ले कि कितने मतलब कितना इक्विवेलेंट यूज होता है फिनाइल हाइड्रोजीन, या फिर किस तरह से अगर हम ग्लूकोज का बनाते हैं और मैनोज का बनाते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, हाँ रिएजेंट इसमें क्या यूज होता है, रिएजेंट यूज होता है इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ऐसे वाले चैप्टर्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी पोर्शन होता है या बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं, उसमें आप ट्राई किया करो कि आपने जो थ्योरी वाली लाइंस होती है वो ना लिखो, क्योंकि क्या होता है लाइंस लिखने से चैप्टर बहुत बोरिंग हो जाता है और बेवजह हमारा पढ़ने में टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको सपोज करो आपको यही पढ़ना है तो आप सिंपल लिखो रिएजेंट कौन सा है, फिनाइल हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन आपको पता क्या होता है, NH2, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, हाइड्रोजीन का। अब मैं आपको बोल रही हूँ फिनाइल हाइड्रोजीन मतलब जिसका एक H है उसको रिप्लेस कर दिया है फिनाइल ने, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन और साथ में एसिडिक मीडियम है, तो ये हमारा रिएजेंट होता है फॉर दिस रिएक्शन। अभी स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने कंसीडर किया ग्लूकोज, अब तक स्ट्रक्चर आपको याद हो ही गया होगा, ये होता है इसका स्ट्रक्चर OH, OH, H, OH, ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है अपना रिएजेंट, वो क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन। अब देखो अभी मैं डायरेक्टली यहां पर वापस नहीं ले देती, यही दे देती हूँ। तो देखो अगर हमें करना है, सपोज यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड अवेलेबल है, तो इसका जो ये वाला कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। रीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, इलेक्ट्रोपोजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, मतलब अगर वैसे डिवाइड करें नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, या फिर अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब क्या होगा, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वाले के पास भी है, डोनेट कौन सा करेगा, डोनेट करेगा हमारा ये वाला नाइट्रोजन। इसका रीजन क्या है, जो ये वाला नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं यहाँ पे फिनाइल रिंग में। फिनाइल बेसिकली है क्या, यहाँ पर एच लगा देती हूँ, और ये फिनाइल यही तो हमारे पास बेंजीन रिंग है ना, तो जिसकी लोन पेयर है ये वाली इसमें डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसफर के लिए या डीलोक मतलब यहाँ पे इसको डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर ये लोकलाइज नहीं है अपनी पोजीशन पर नहीं है, डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये वाले लोन पेयर यहाँ पर हम डोनेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगी। आपको पता ही है कि जो कार्बोनिक कंपाउंड होता है अगर उसके साथ कोई भी हमारे पास NH2 ग्रुप या अमोनिया रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वहां से हम पूरा मैकेनिज्म नहीं करते, डायरेक्ट क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल निकाल देते हैं। वाटर मतलब H2 यहाँ से आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, बस हमें यही तो करना है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे N, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से H2 चला गया, तो ये बचा हमारे पास N, N के साथ अटैच है NH और यहाँ पर है PH, यही था, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आया है, नीचे वाला पोर्शन पूरा सेम है। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ ये वाला पोर्शन पूरा सेम है, तो मैं एक काम करती हूँ इस पूरे पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को मैं R मार्क कर देती हूँ, ठीक है। जो ये वाला है HOH, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है HOH, और जो बाकी का पूरा पोर्शन है उसको मैंने R मार्क कर दिया, ठीक है। अब अपना रिएक्शन देखते हैं क्या होगा, अगली रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी। अब देखो
अगर हमारे पास इस तरह से होता है, ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म शो करते हैं। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, इधर नेगेटिव गया, इधर आया पॉजिटिव, और जो ये है इधर चला गया, हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड और यहाँ पर बन जाता है OH। तो जो ये टोटोमेरिज्म होता है ये किस केस में हम देखते हैं, अगर हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, तो वहां पे चांसेस जो आते हैं टोटोमेरिज्म की, तो यहाँ पर भी वही होगा। कार्बन के साथ क्या है, ये अटैच है नाइट्रोजन, तो क्या कर सकते हैं इसको हम, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा स्टेप टोटोमेरिज्म, इक्विलिब्रियम में होगा ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इधर नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, तो जो ये वाला एच है यहाँ पे निकल जाएगा ऐसे, हमारे पास क्या बनेगा, और जैसे ये प्लस आएगा ये और एन बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और साथ में ये वाला एन जो हमारा है एच के साथ अटैच है और पी एच के साथ अटैच है, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ये ओ एच, और ये हो जाएगा हमारे पास आर, ठीक है। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, ये रिएक्शन है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें रिएजेंट सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, फिनाइल हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम। तो अगर आपको इतना भी ध्यान रखना है फिनाइल हाइड्रोजन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्शन में, बस आपको ध्यान इतना रखना है इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक एनिलीन निकलता है, आपको एनिलीन रिलीज करवाना है। अब एनिलीन क्या होता है, फिनाइल रिंग पे NH2 हम लगा देते तो एनिलीन होता है, तो यहाँ से हमें एनिलीन निकालना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कैसे निकलेगा, ये तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगी, NH भी है, एक और एच हमें चाहिए और उसको हमें रिलीज करवाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इधर नेगेटिव, इधर जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये इधर नेगेटिव, और जो ये OH है यहाँ पर इस तरह से इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, और जो ये वाला H प्लस जो है वो इस तरह चला जाएगा, तो एनिलीन तो रिलीज हो गया यहाँ से, इतना एनिलीन तो हमारे पास रिलीज हो गया। अब बाकी देखते हमारे पास क्या बन गया है, ये जो नाइट्रोजन है इस और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है ऐसे, इस वाले कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड आ गया है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर हो गया है कार्बोनिल, और यहाँ पर लगा है R, और जो नाइट्रोजन है इसके पास एक H भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, देखो एनिलीन तो हमारे पास रिलीज हो गया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से दिखा सकते हैं, मैंने कुछ मिस किया है क्योंकि कार्बन के सिर्फ तीन ही बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी तीन बॉन्ड है, हाँ ये वाला एच मैं मिस कर गई, यहाँ पे ये वाला एच आएगा, ठीक है। तो इतना वाला हमारा काम हो गया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारे पास क्या बना है, सी डबल बॉन्ड एन, तो सी डबल बॉन्ड एन जो है आपने देखा है कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वॉटर रिलीज हुआ है ना, तो हमारे पास सिस्टम में क्या है, वॉटर प्रेजेंट है, तो वॉटर क्या कर सकता है, जो ये सी डबल बॉन्ड एन एच है इसको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइसिस का सॉरी हाइड्रोलिसिस का क्या कर सकता है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्योंकि वॉटर सिस्टम में प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। और वो कैसे होता है, मैकेनिज्म आप खुद से ले रहे, आपको आइडिया दे देती हूँ। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वॉटर से एच यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा, OH। उसके बाद फिर से एक बार फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक और एच यहाँ पर लग जाएगा H2 और यहाँ पर आ जाएगा OH। इस तरह से ये अमोनिया हमारा अलग से रिलीज हो गया स्टेप में हाइड्रोलिसिस से, एक अमोनिया रिलीज हो गया और साथ में हमारे पास क्या बचा है, कार्बन पे दो OH। अब मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था शायद, जब मैं आपको अमीनो एसिड्स पढ़ा रही थी, कि सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, यहाँ से क्या होता है, वॉटर मॉलिक्यूल फिर से रिलीज हो जाता है और हमें मिलता है क्या, सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस तरह से अब मेरा फाइनल जो कंपाउंड है क्या बन गया है, ये और उसके बाद मेरे पास बच गया है एल्डिहाइड, ऐसे हो गया, ठीक है। ये वाला कंपाउंड अभी हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं टू मोर इक्विवेलेंट्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, हमने दो इक्विवेलेंट और ऐड कर दिए फिनाइल हाइड्रोजन की, तो अब क्या होगा, फिर से वही दो है इस बार, तो क्या होगा, ये वाला H2 और ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से कंपाउंड बनेगा, और जो दूसरे वाला है ये वाला भी यहाँ पे रिएक्शन करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर निकलेगा, तो जो फाइनल आएगा मेरे पास वो मेरा हो जाएगा NH2 और एक H2 है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा NH2 और नीचे जो R है, अब मैं R को पूरा दे देती हूँ इस तरह से, जो भी हमारे पास था OH और नीचे साथ में है CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है ओसाजोन, इसको हम बोलते हैं ओसाजोन। किस केस में, जितने भी डेरिवेटिव होते हैं कार्बन
कार्बोहाइड्रेट्स ये सबको हम ओथोजोन ही बोलते हैं। ये हमारा ग्लूकोज के केस में हम आप देख सकते हो सबके केस में क्या हो सकता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ना एक और बात, एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन हो सकता है सिंपली आपसे 2 मार्क्स में पूछा एग्जामिनर कि जो हमारे पास ओसेजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है, जो हम डेरिवेटिव फॉर्मेशन करते हैं उसमें कितने इक्विवेलेंट यूज होता है फिनाइल हाइड्राजीन, तो आपको ध्यान रखना है एक इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद 2 यहाँ पर यूज हुए, तो टोटल कितना यूज हुआ, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था, ग्लूकोज से, है ना। दोस्तों जो नीचे वाले 3 ये वाले कार्बन है, जो इसको मिला के 4 जो कार्बन है नीचे वाले, वो क्या है, बिल्कुल सेम है फाइनल रिएक्शन में भी। सिर्फ चेंजेस कहां पर आए हैं, इस वाले पर और ऊपर वाले कार्बन पर, यहाँ पे चेंज आया है। तो ये है ग्लूकोज, इसका एपिमर क्या होता है, मेनोज। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एपिमर्स। एपिमर्स का मतलब क्या है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या होगा, मेनोज के केस में यहाँ पर एच होगा और इस साइड होगा OH। तो आप मुझे खुद बताओ अगर मैं मेनोज का भी स्टार्ट करती हूँ ये सारे स्टेप करके, तो भी मुझे सेम ही यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलने वाला है, क्योंकि क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, बस ये होगा ये वाला जो OH है वो यहाँ पर आएगा और ये एच यहाँ पर आएगा, बाकी सारा स्टेप सेम होगा, वापस से कार्बोनिल तो बन ही जाना है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो दो एपिमर्स होते हैं आपस में, जो C2 एपिमर्स होते हैं, उनके जो ओसेजोन होते हैं वो दोनों के सेम बनते हैं। तो ग्लूकोज और मैनोज का अगर आप ओसेजोन फॉर्मेशन इस तरह से करके दिखाते हो, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दोनों ही केसेस में सेम होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक बार आप करके देखना मैनोज वाला, आपको खुद रियलाइज होगा कि सेम स्ट्रक्चर वापस से आ गया है, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन बन सकता था इससे, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ग्लूकोज और मैनोज का क्या होगा, सेम बनेगा ओसेजोन प्रोडक्ट। ऐसे ही जो मैंने आपको याद करवाए हैं जितने भी स्ट्रक्चर में हमने देखे थे, उन सबके लिए आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जितने भी होते हैं उन सबका जो C2 एपिमर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने याद किया था ओल एल्ट्रोज का भी, क्या था एलोस एल्ट्रोज, इन दोनों की भी क्या होंगी, ओसेजोन फॉर्मेशन जो होगी वो सेम प्रोडक्ट देंगे हम दोनों, ठीक है। ओल एल्ट्रोज ग्लैडली मेल G4 क्या था, ग्लूकोज, एंड फॉर द मैनोज, तो ग्लूकोज और मैनोज का क्या है, सेम। उसका क्या था, गम्स इन, तो ऐसे इंडोज और जो ग्लूकोज और जो इंडोज है उन दोनों के क्या होंगे, सेम डेरिवेटिव होंगे, और ऐसे ही गैलेक्टोज और हमारे लास्ट में क्या होता है, टेलोज, उन दोनों के क्या होंगे, सेम डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व क्या हो रही है, सिर्फ C2 कार्बन में चेंज आ रहा है, वहां से कार्बोनिल बनता है, कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट रिएक्शन होते तो सेम आ रहा है, ठीक है। अभी हमें देखना है नेक्स्ट रिएक्शन जो की है चेन इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है कि चेन जो है उसका साइज बढ़ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले पढ़ना है एक ही रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसका नाम होता है यानी या फिर क्लियानी चेन इलोंगेशन, इस तरह से बोलते हैं। तो अभी हम इसको देखना है, तो देखो मैंने आपको याद करवाया था सबसे पहले गेट रेक से याद करवाया था, जिसे हमारे पास से दोनों आते हैं, इसे हमारे पास क्या बनता है, गेट रेक्सल, तो यहाँ से राइबोज और अरेबिनोज बनते हैं, है ना, इतना हमने याद किया था। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ, अगर मैं एरिथ्रो से स्टार्ट करूँ तो क्या बनेंगे मेरे पास, राइबोज और अरेबिनोज। अब बनते किस तरह से है, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या होता है CHO, ये स्ट्रक्चर में किसका लिख रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ एरिथ्रोज का। अगर डिस्टिल्ड है सब स्टार्ट करोगे, CHO होता है, CH2OH होता है और यहाँ पर OH होता है। अगर मैं इसको यहाँ से हाइड करूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास डिस्टिल्डिहाइड। अब डिस्टिल्डिहाइड से मैं क्या करती हूँ, अगर लेफ्ट साइड पर एच रखती हूँ और यहाँ पर रखती हूँ OH, तो वो क्या है, एरिथ्रोज। तो ये मेरे पास क्या है, डी एरिथ्रोज। अब मुझे इससे बनाना है राइबोज और अरेबिनोज, किस तरह से बनाएंगे हम देखो। सबसे पहले आप इसमें ऐड करेंगे NaCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब आप याद कैसे करोगे कि रिएजेंट कौन सा लेना है, तो आपको पता है आपको एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो एक कार्बन इंक्रीज होगा मतलब कोई ऐसा रिएजेंट डाल रहा है जिसमें कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं NaCl। अब ये क्या है, Na+CN-, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोनिल है वहां पर फिर से रिएक्शन होगी, ऐसे इसको ब्रेक करते हैं नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, तो जैसे ही पॉजिटिव आएगा वहां पर क्या लगेगा, CN, और उसके बाद जो और माइनस आया है ये एच ले लेगा यहाँ से, तो बन जाएगा OH और लग जाएगा CN। बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया ये क्या है, प्लेनर सिस्टम है, तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो एक तो लग जाएगा CN
तो एक बनेगा OH और H, एक इस वाले प्रोडक्ट की बनने के चांसेस है। CH को मैंने ऊपर लगा दिया तो OH यहाँ पर भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, इसलिए जो बाकी वाला नीचे का पोर्शन है उसको लिख देते हैं OH H OH H और यहाँ पर है CH2OH। तो यहाँ से एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और साथ में बन सकता है कि CH को मैं वहीं पर रखूं, बट अटैक के दो चांसेस होते हैं तो इसलिए हो सकता है OH यहाँ पर लग जाए और H यहाँ। ये वाली कार्बन सेम है, इसमें मैं कार्बन ही लेती हूँ, इस वाली कार्बन की बात कर रहे हैं ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो सेम है OH OH इधर H और इधर CH2OH। तो यहाँ से इस स्टेप से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, क्योंकि जो अटैक है वो ऊपर से भी हो सकता है, CN माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। तो यहाँ से मैंने दो प्रोडक्ट दिखा दिया आपको, एक में OH इस साइड पर है, एक में OH इस साइड पर है ठीक है। इतना हो गया, अब आप क्या करेंगे, मैं फिर से इसको मुझे बार बार ना लेना पड़े इसलिए इसको आर कंसिडर कर रही हूँ और इस नीचे वाले पोर्शन को भी आर कंसिडर कर रही हूँ, जो कि दोनों ही सेम है ठीक है। इसको मैंने आर कंसिडर कर लिया, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं H2, मुझे करवाना है रिडक्शन, तो अगर मैंने यहाँ पर H2 लिखा था मुझे बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, OH का रिडक्शन और हो नहीं सकता, एसिड का रिडक्शन होकर हमारे पास क्या बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होकर मिलता है एल्कोहल और एल्कोहल का फर्दर रिडक्शन हो नहीं सकता है, तो रिडक्शन के लिए सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है वो है हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो अगर मैं यहाँ पे एच टू एड करती हूँ तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से हटा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, यही होगा। लेकिन एच टू तो अभी सिस्टम में और भी अवेलेबल है, तो ये हो सकता है कि ये वाला एच भी हट जाए यहाँ से, ऐसे ये मेरे पास बन जाएगा फाइनल सी एच टू एन एच टू। बट मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ रिएक्शन इसी स्टेज पर रुके, यहाँ पर इससे आगे ना जाए, मतलब एक बार फिर से फर्दर रिडक्शन ना हो, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो रिएजेंट है इसको डीएक्टिवेट मुझे करना है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। तो मैंने क्या क्या पैलेडियम और BeSO4 इसमें ऐड कर दिया, तो अब जो इसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई है, सिर्फ ये एक बार रिड्यूस करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। तो अब मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका तो मुझे ये मिल जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा एक एक एच चल जाएगा यहाँ पर ऐसे ठीक है। तो इस वाले रिएजेंट के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे ये वाले। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब मुझे करवानी है हाइड्रोलिसिस, मतलब मैंने वोटर एड कर दिया, अब मुझे करवानी है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, जैसे पहले वाली में बताई थी मैंने वैसे ही, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे ही नेगेटिव आएगा यहाँ पे एच लग जाएगा ऐसे और यहाँ पर लग जाएगा OH। एक बार फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, यहाँ पे लगेगा एच और यहाँ पे लगेगा OH। तो जो ये अमोनिया है इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, अब क्या होगा कार्बन पे आगे दो OH और एक H, यहाँ से वॉटर मोलिक्यूल निकलेगा क्योंकि सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, इसे यहाँ से निकलेगा और हमारे पास बनेगा CHO। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया है हाइड्रोलिसिस के बाद CHO, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखा है वैसे यहाँ पर भी होगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CHO। तो अब आपको क्या करना है, आपको हटा देते मैंने सेम ही कर दिया। अब देखो, अब जो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बना है ये क्या बन गया है, चेक करो उसको ध्यान से, यहाँ पे कितनी कार्बन थी हमारे पास इनिशियली, 1 2 3 4 कार्बन थे हमारे पास, टेट्रा ओस था। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पर है, 5 कार्बन यहाँ पर है, तो क्या हो गया पेंटोस, ये हमने बना लिया है। अब आप क्या करते थे, पहले जैसे हम चेन बनाते थे तो क्या करते थे, ये था एरिथ्रोस, आप क्या करते थे यहाँ पे दो चीजें लगाते थे, एक साइड इधर एच इधर OH, नेक्स्ट में इधर OH इधर एच। तो देखो यहाँ पे वही तो हुआ है ना, दो प्रोडक्ट बन गए हैं, इनके नाम आपको बार बार याद करने की नीड नहीं है, आपको पता है एरिथ्रोस की नेक्स्ट सीरीज ही बनी है यहाँ पर। तो एरिथ्रोस से क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास राइबोस, ये है राइबोस, क्योंकि इसमें क्या है लेफ्ट साइड पर एच है और ये क्या है राइट साइड पर एच है, तो ये क्या है अरेबिनोस। ये ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो जो पार्ट वन है कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो का वो एक बार चेक कर देना ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, एरिथ्रोस से मुझे दो प्रोडक्ट मिले, एक राइबोस है और एक अरेबिनोस है ठीक है। अगर ऐसे ही एग्जामिनर आपको दे दे थ्रियोस है, थ्रियोस में आपको सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके वर्ड्स में है थ्रियोस डी थ्रियोस और इसमें ऐड किया हुआ है NaCN H+ फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या ऐड किया है, सेकंड स्टेप में हमें रिडक्शन करवाया है H2 पैलेडियम BeSO4 और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है हाइड्रोलिसिस H3O+, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर आपसे पूछे हुए एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, अलग अलग नाम लिखे हुए जैसे ग्लूकोज और मैनोज कौन से बनेंगे तो आपको देखना है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये जो थ्रियोस होता है उसमें होती है चार कार्बन और ये क्या है रिएक्शन क्रियानी सिंथेसिस, मतलब क्या ऑन एक्सटेंड होना है,
तो यहां से हमारे पास क्या बनते हैं, जो कौन से आते हैं, रेक्सिल एक्स और एल, मतलब यहां से क्या आएंगे, जाइलोज और लाइजोज। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे जाइलोज और लाइजोज। इस वाले में हमारे पास ये मिल जाएंगे हमें, ठीक है, लाइजोज इस तरह से। बस ऐसे ही होती है किलियानी फिशर सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मुझे एक और रिएक्शन करवानी है जिसमें हम क्या करते हैं, चेन शॉर्टनिंग, मतलब इस बार ये चेन को हमें शॉर्ट करना है। जैसे पहले तीन से चार बनाए हैं, अब आपको चार से तीन बनाना है। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं रफ डिग्रेडेशन। इसमें क्या करेंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हमने किलियानी फिशर सिंथेसिस में किया था, रफ डिग्रेडेशन। जैसे उसमें हमने फोर कार्बन से फाइव बनाया था, इसमें करेंगे हम फाइव से फोर या फिर सिक्स से फाइव, जो मर्जी चाहे। तो सपोज करते हैं अपना एग्जाम्पल, भाई ग्लूकोज ले लेते हैं, CH2OH, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है ग्लूकोज का। अब देखो रिएजेंट्स थोड़े से डिफरेंट है, अब आप मुझे खुद ही बताओगे ये वाले रिएजेंट क्या करेंगे। अगर मैं यहां पर ऐड करती हूँ Br2H2O, तो ये क्या करता है, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं मैं, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेंट। तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करेगा, कैसे, जो CHO ग्रुप है सिर्फ उसको ऑक्सीडाइज करेगा इनटू COH, और बाकी सारा क्या रहेगा, सेम CH2OH, बाकी सारे यहां पर सेम रहेगा। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया ये। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें ऐड करना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेस है, जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है वो भी एज अ बेस यूज हो सकता है। आप मुझे कहोगे कि मैम सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो तो सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट तो है बट वो बेसिक होता है नेचर में, अगर आप उसको ऐड करते हो। अच्छा रीजन बताती हूँ, जैसे सपोज करो Na2CO3 अगर है तो आपको लग सकता है कि तो सॉल्ट है, तो ये बेसिक कैसे नेचर में है, तो ये किससे बना है, NaOH प्लस H2CO3, कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड, तो जो ये सॉल्ट है ये क्या है, स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में। तो अभी हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम, ऐसे ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी क्या है, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर कोई स्लाइटली बेसिक नेचर वाला भी अगर हम ऐड कर दें रिएजेंट, तो क्या होता है, क्योंकि हमारे पास COOH जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बहुत ही ज्यादा एसिडिक होती है, ये वाला एच निकालना बिल्कुल टफ नहीं होता है, बहुत आराम से निकलता है। तो यहां से क्या करेंगे, एज अ बेस काम करेगा और एच प्लस को निकाल लेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, ओ माइनस, और बाकी सब कुछ सेम एच ओ एच, और नीचे वाला जितना पोर्शन है ये वाला, इसको मैं ले देती हूँ आर, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया आर। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया हमने। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो इसमें ऐड करते हैं हम H2O2 परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ऐसे, और अगर आप सीएसआई या नेट के प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे फटाफट से इसका क्या बताना है आपको, पॉइंट ग्रुप। सिस वाले केस में पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ट्रांस वाले केस में, और ओपन बुक में इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना, और चीटिंग मत करना। ठीक है, अभी करते हैं H2O2। फिर क्या करता है, यहां से इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जैसे ही ब्रेक होगा तो एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, तो हमें क्या मिल गया, OH रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या करता है, इस वाले H को निकाल लेता है यहां से, ऐसे एक रेडिकल ऐसे ब्रेक किया मैंने, कैसे किया, जैसे ही H रेडिकल निकालेगा यहां से, तो ये वाटर बन जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा O माइनस, और यहां पर H, और यहां पर बचेगा O रेडिकल। ठीक है, क्योंकि H रेडिकल तो उसने निकाल लिया, ये बन गया वाटर, और यहां पर बना है O रेडिकल, तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है Fe3+। ये वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताती हूँ कैसे। अब जो ये Fe3+ है ये क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया तो है पहले वीडियोस में, एरोमेटिसिटी पढ़ाते हैं, बताया था कि जो ये नेगेटिव साइन होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव साइन बनाते हैं। जैसे आप सपोज करो ये स्टार्टिंग में क्या था, OH ऐसे था, मैंने कहा ये H प्लस निकल गया और ये बन गया O माइनस। एक्चुअल में क्या हुआ है, जो इस बॉन्ड की दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, एक H का इलेक्ट्रॉन है, एक O का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किया है H ने, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ के गया है और H प्लस निकल गया यहां से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, यही तो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या किया, जो Fe3+ है इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बचेगा हमारे पास,
जो माइनस साइन था उसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बचा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे। और जो एक इलेक्ट्रॉन था अगर Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या बनेगा, Fe2+ रिडक्शन हो गया। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ये बन गया रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गया और ये क्या बन गया Fe2+, और हमारे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ गया है ओ रेडिकल। और यहां से अभी दिखाती हूं ऐसे ओ रेडिकल, और इधर H और इधर R, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या कहना है, नेक्स्ट स्टेप जो ड्राइविंग फोर्स उसका क्या है कि यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट तो वो क्या होता है उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग, सॉरी उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स। ऐसा क्यों, ड्राइविंग फोर्स क्यों होता है, क्योंकि जब भी गैस रिलीज होगी तो क्या होगा, जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। और जो नेचर है हमारा, नेचर में हर कोई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या चाहते हैं, मतलब जितने भी नेचुरल जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब में होता है ये है कि हमें एंट्रोपी इंक्रीज करवानी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही गैस रिलीज होगी तो क्या होगा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो उससे क्या होता है ड्राइविंग फोर्स। यहां से निकालेंगे इसको इस तरह से रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल, तो जैसे यहाँ पर रेडिकल आएगा ऐसे तो ये क्या बना लेंगे बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से ये वाला CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा माइनस CO2, और यहाँ पर क्या बचेगा रेडिकल, और ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन गया ये H2 लगा हुआ है और नीचे R। अब मैं R को थोड़ा लिख देती हूँ, R हमारे पास क्या था OHH OH 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 CH2 OH, बस बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज था 1 2 3 4 5 कार्बन। अब आपको इनका नाम लिखना है कि नाम क्या होगा, ये तो था ग्लूकोज, अब जो ये हमारे पास बना है ये क्या बना है, तो आपको पता है कि जो हमारा स्टेप होता है जो हमारी ट्रिक होती है गेट एक्सेल वाली ऐसे, तो आपको पता है कि जो ये क्या नाम है ग्लूकोज जो आता है वो यहां से आता है क्योंकि ये क्या है ऑल एल्कोज ग्लैडली मेक, ये क्या है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और यहां पे क्या आता है मैनोज, तो ग्लूकोज से अब क्या बना होगा, अगर फाइव मेंबर बना है तो इसको बिना क्या लिखोगे आप, ये हमारे पास डी अरेबिनोज, ये हमारे पास क्या है डी अरेबिनोज। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं भी देखना आ रहा है तो भी आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हो कि जहां से ये आया था हमारे पास ग्लूकोज ही वही तो वापस बना है, क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल वापस हो गया, सिक्स से फाइव मेंबर बन गया है तो अरेबिनोज से स्टार्ट होता है वापस क्या बन गया अरेबिनोज। अब यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, अगर मैं ग्लूकोज की जगह पे मैनोज ले लेती तो मैनोज में क्या डिफरेंस होता, यहाँ पर आता H और यहाँ पर आता OH, इस वाले स्टेप में यहाँ पर आता OH और यहाँ पर आता H, ऐसे होता, ये वाला स्टेप सेम रहता बस ये OH यहाँ पर आ जाता ऐसे और ये आता H यहाँ पर, और लास्ट में क्या होना है सारा स्टेप होने के बाद, बनना तो उसने कार्बन ही नहीं है तो क्या होता है उस वाले केस में हमारे पास सेम यही मिलता। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज की जगह पे मैनोज भी ले ली थी अगर और सेम रिएक्शन के सारे स्टेप्स फॉलो करवाती तो मुझे क्या मिलता है वापस से अरेबिनोज। अगर आप मैनोज ले रहे हो, अगर आपको एग्जाम में ऐसे आया है मैनोज और उसमें लिखे हुए सारे जितने भी इंग्रीडियंट्स मेंशन करे हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या होगा क्या बनेगा, तो आपको पता है वो क्या बनेगा डी अरेबिनोज। तो अगर जो मैंने आपको ये दोनों रिएक्शंस करवाई है क्रियानिक फिशर सिंथेसिस एंड ड्रग डिग्रेडेशन, अगर ये एग्जाम में ऐसे वर्ड्स की फॉर्म में आता है तो आपको ना तो कोई रिएक्शन करके देखने की नीड है, बस आपको ये वाले सीक्वेंस याद रखने हैं, आप डायरेक्टली बता दोगे। और स्पेशली बीएचयू वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहां पे वो डायरेक्ट रिएक्शन पूछेंगे, वो इसी तरह से वर्ड की फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो आप उसको ऐसे करके बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखनी है रिएजेंट्स, ताकि आपको पता रहे कौन सी क्रियानिक फिशर सिंथेसिस है और कौन सी अपनी ये वाली ड्रग डिग्रेडेशन, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि ये वाली रिएजेंट दी हुई Br2H2O और फिर पूछा हुआ है और आपने क्या किया इसको इलोंगेशन करवा दिया, ऐसे इलोंगेशन नहीं करवा सकते, ग्लूकोज से ज्यादा नहीं बनाओगे, बट हो सकता है कहीं पर और मिस्टेक हो जाए, तो बस इसके रिएजेंट्स याद कर लो, ठीक है। अभी तक इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास से फिशर प्रोजेक्शन होती है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक फॉर्म में, जो ग्लूकोज का हम ऐसे वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ देखते हैं ऐसा, तो वो एक्चुअल में आता कैसे है, तो आपको बिल्कुल रट्टा मारने के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इसको ऊपर रखना है इसको नीचे करना है मैं याद करती थी, बट उसकी नीड नहीं होती, कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा दूँ।